और राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय होने वाली है। कल की जो रैली होगी प्रियंका जी की, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक होगी। और हमेशा से इस दौसा जिले ने कांग्रेस को मजबूती दी है, और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये जिला और ये इलाका कभी पीछे रहा नहीं। आप सभी जानते हो कल हम सबके नेता प्रियंका जी की एक आम सभा है, चुनाव घोषित हो चुके हैं और आचार संहिता लड़ने के बाद पहली मीटिंग प्रियंका जी की है और सिकराय में दौसा में वा रही हैं, एक बहुत ही विशाल जनसभा होने जा रही है और इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले और संभाग में, सब जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है उनके आने को लेकर। अभी अमृता जी हमारी सेक्रेटरी हैं AICC की, मुरारी जी, ममता जी, हम सब यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। कल की मीटिंग मैं समझता हूँ एक बहुत विशाल जनसभा होने जा रही है और जो संदेश प्रियंका जी का होगा उसको सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता और आमजन यहाँ उतारू है। इस क्षेत्र में हमेशा ही बड़ी मीटिंग होती आई है, मुझे अच्छी तरह याद है आज से करीब 2.5 दशक पहले सोनिया गांधी जी की हुई, राहुल गांधी जी यहाँ कई मरतबा आए हैं, अब प्रियंका जी यहाँ पे आ रही हैं, तो सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सब मिलजुल कर इस सभा को बहुत कामयाब बनाएंगे। मुद्दा चुनावों का है अब और हम यहाँ पे लोगों को ये आग्रह करने जा रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र ने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर एक कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो इसको हम लोग और मजबूत कैसे कर पाएं इसका निर्देश कल प्रियंका जी हमको देकर जाएंगी। सभी नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, टिकट लेने वाले, लड़ने वाले, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हाल में जो खबरें सामने आई हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ना तो सदन के अंदर, ना सदन के बाहर, ना जयपुर, ना दिल्ली में BJP को प्रभाव छोड़ पाई है। ERCP के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो बातें अपनी 12 में कही थी उसका जवाब हमें मिला नहीं है। हमने कहा था कि जो योजना वसुंधरा जी की सरकार में उसकी कल्पना करी गई उसको धरातल पर उतार रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने खुद अजमेर में आकर अपने मुंह से कहा था कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज पूरे 5 साल बीत गए, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 25 सांसद लोकसभा में भाजपा के हैं, फिर भी आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जनता पूछने जाती है क्यों, कल भी हम सवाल पूछेंगे। हम योजना को लाने के लिए खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार की जो बेरुखी है उसका जवाब जनता मांगेगी। बहरहाल चुनाव आ गए हैं तो जनता को निर्णय करना है कि कौन जनहित कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग बना रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, उसको हम धरातल पर कारगर भी होते हुए देख रहे हैं। लोगों के प्रति एक, मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं अब कांग्रेस ही एक बेहतर विकल्प है, और राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय होने वाली है। कल की जो रैली होगी प्रियंका जी की, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक होगी, और हमेशा से इस दौसा जिले ने कांग्रेस को मजबूती दी है, और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये जिला और ये इलाका कभी पीछे रहा नहीं है। 2018 के चुनाव में आपने बड़ी कैंपेन की तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार, इस बार फिर कांग्रेस की निगाह सचिन पायलट पर है। हम सब ने जो चुनाव लड़ा 18 में, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन हमारा जो चुनाव का फेस था वो सामूहिक नेतृत्व में रहा था हम लोगों ने, और तब भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, हम सब लोगों ने मिलकर करी थी, और आज भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारी जो एकजुटता और ताकत है उसको देखकर BJP के अंदर बहुत कड़बड़ाहट है, और वहाँ पर जो फूट है, सर फुटबॉल है, खींचतान है, रोज सामने आ रहा है। अभी टिकट बांटे हैं 40 और झगड़े हो गए 80, तो ये दिखाता है कि वहाँ पर बहुत अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। हमारी पार्टी के अंदर अभी पिछले 2-3 दिनों में लगातार चर्चाएं हुई, यहाँ हमारी सेक्रेटरी भी हैं, हम सब ने बहुत विस्तार से, खुले मन से, अच्छे वातावरण में, और इन खबरों पे जो लोग प्लांट कराते हैं हमको नहीं जाना चाहिए, हम सब ने मिलकर जो पार्टी हित में था उस निर्णय को लेने की कोशिश करी है। बहुत जल्द हमारी घोषणाएं हो जाएंगी किस पे सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन BJP के अंदर जो ये असुरक्षा जहन में है वो स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं, बहुत जल्द उसकी घोषणा भी हम लोग करेंगे, और अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस पार्टी की, इस बात को लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूं और मुझे पूरा भरोसा जनता के ऊपर है। कांग्रेस सरकार बनेगी तो फिर वापस CM कौन होगा भाई? हम लोग ने पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं हर जगह एक सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, AIC से स्पष्ट किया है
कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं, और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था और वही दोबारा 23 में, ना सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। गहलोत साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सीएम का पद मुझे छोड़ने का, शायद अगली बार मुझे नहीं। मैंने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, लेकिन कौन किस पद पर बैठता है, कब तक बैठता है या नहीं बैठता, इसका निर्णय हमारी पार्टी में पार्टी का लीडरशिप करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहां काम करना है, दिल्ली में करना है, जयपुर में करना है, संगठन में करना है, सरकार में करना है। तो जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा। आज की रोड ट्रेडिंग के आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी पर, और ये भी कहा कि राजस्थान में 10-10 करोड़। बिल्कुल, बीजेपी ने कहां कोशिश नहीं करी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश करना अलग होता है। राजस्थान में हम लोगों ने बीजेपी को हरा कर, अब मत बोलो बीजेपी का जो बहुमत था वो 163 था, और उनको ऑब्वियसली मन में चोट होगी कि हमारी सरकार क्यों नहीं बन पाई। हमने सरकार बनाई, सरकार चलाई 5 साल, और हमारा जो भी आपस में जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया है, और AICC ने उस पर आगे कदम उठाने की बात भी करी है। मुझे खुशी है नौजवानों के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, जो हमारे यहाँ अगर कोई कमियां भी हमारी मिलती उसको हम लोगों ने मिलकर बैठकर आगे ले जाने का काम किया है। तो पीड़ा तो बीजेपी के मन में होगी, लेकिन जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकता। जब चुनाव होगा तो बहुमत होगा, और मेरा मन ऐसा कहता है कि जितना बहुमत हमें पहले नहीं मिला उससे ज्यादा बहुमत आज मिलेगा। बहुत प्रलोभन कौन दे, बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया, एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। जी सर, जिस तरीके से शब्दों का यूज किया गया था उसमें, क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? सर समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो क्या कहना चाह रहा हूँ। शब्दों का यूज किया गया था माने से, जब आप गए थे क्या भूल गए हैं? भूल क्या आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनेंगे। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ उस लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया, चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जिताऊ हो। किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला मौका था। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार